12 बजे की ब्रेकिंग न्यूज में अब बात राजस्थान के उदयपुर के तेंदुए की दहशत की करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। तेंदुए ने एक और महिला की जान ले ली है। अब तक 6 लोगों को अपना शिकार ये तेंदुआ बना चुका है। दहशत में है इलाके के लोग। इस हमलों की वजह से वन विभाग ने अब तक 3 तेंदुओं को पकड़ लिया है, लेकिन चौथा तेंदुआ अब भी लोगों पर लगातार अटैक कर रहा है। चौथा तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा दिए गए हैं। तेंदुए के ये हमले उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में हो रहे हैं और ये इलाका इन दिनों तेंदुए के आतंक की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में है। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए के हमले से शनिवार को 6 मौत हुई और देर शाम को आदमखोर तेंदुए ने एक महिला को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे और कैमरे लगाए। अब देख सकते हैं कि वन विभाग अब तक 3 तेंदुए पकड़ने में सफल रहा और चौथे की तलाश की जा रही है। लगातार हमले और लोगों की मौत से पूरा इलाके में खौफ का इस वक्त माहौल है। लोग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। और 5 तस्वीरें सिर्फ इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तेंदुए का आतंक जो है वो लगातार जारी है। अब तक 6 लोगों को अपना शिकार ये बना चुका है और यही वजह है कि लोग वहां पर हर दिन डर के साए में जी रहे हैं। आदमखोर की तलाश यहां पर वन विभाग की टीम कर रही है। दहशत में है इलाके के लोग। ड्रोन से सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है ताकि जल्द से जल्द इस चौथे आदमखोर भेड़िए को भी पकड़ लिया जाए। लगातार ये जो है ये अटैक कर रहे हैं और उसके बाद आप देखिए क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। 3 तेंदुए पकड़ लिए गए हैं सफलतापूर्वक, लेकिन चौथे तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम। आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर ये कैब लगाई हुई है। ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये पिंजरा लगा दिया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि उस आदमखोर को गिरफ्त में लिया जाए, क्योंकि वो अब तक 5 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। लगातार हर रोज इस तरह की खबरें आ रही है कि वो यहाँ देखा गया, वहां देखा गया। ये पिंजरा यहाँ लगाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पास में पानी का स्रोत भी है, जहां से ये आप देखेंगे जंगल में पानी का ये स्रोत है, जिसके चलते हुए यहाँ पिंजरा एक लगा दिया गया है ताकि वो अगर पानी पीने भी आता है और शिकार की तलाश में यहाँ आता है तो उसको पिंजरे की गिरफ्त में लिया जा सके। ये कोशिश की जा रही है। टीम में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और पिंजरा वहाँ दूर लगाने के लिए टीम रवाना हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहाँ वो टीम आगे निकल चुकी है जहाँ एक और पिंजरा लगाया जाएगा ताकि उस आदमखोर को जल्द से जल्द पिंजरे की गिरफ्त में लिया जा सके। उदयपुर प्रशासन ने वन विभाग के साथ मिलकर के अब तक 3 तेंदुए पकड़ लिए हैं, जिनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब इंतजार है चौथे तेंदुए का और इसके लिए पिंजरा भी तैयार है। वन विभाग की टीम ने इन पिंजरों के आसपास कैमरे भी लगाए हैं ताकि अगर तेंदुआ पकड़ा गया या फिर उसके आसपास दिखे तो उसे मूवमेंट को कैमरे में कैप्चर कर लिया जाए। हमारे सहयोगी भवर पुष्पेंद्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दोपहर में वन विभाग की टीम के साथ जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आई थी, उस वक्त यहाँ काफी लोग थे। ये पिंजरा लगाया गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कहीं कोई आदमी यहाँ नजर नहीं आता है। मवेशियों को चराने वाले लोग भी यहाँ से उनको लेकर निकल चुके हैं। अब ये स्थान जनशून्य हो गया है। ऐसे में शाम को 5 से 6 बजे के बीच पैंथर का मूवमेंट होता है, लिहाजा 9 कैमरे और 4 पिंजरे लगाए गए हैं। तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। टेक्निकल टीम यहाँ कैमरा सेट कर रही है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये नाइट विजन कैमरे हैं, रात में भी क्लियर पिक्चर इसके अंदर कैप्चर होगी जब पैंथर मूवमेंट करता हुआ अगर यहाँ से निकलता है। ये इस पिंजरे के ठीक पास में ये कैमरा लगाया गया है जिसको टेक्निकल टीम अभी सेट कर रही है। थोड़ी देर बाद हम लोग भी यहाँ से मूव कर जाएंगे, उसके बाद इंतजार रहेगा इन कैमरास को, उस पैंथर का, उसकी पिक्चर कैद करने का। एक कैमरा यहाँ है तो दूसरा कैमरा दूसरी तरफ लगाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि वो वहाँ जो पिंजरा है वो लगा हुआ है, उसके ठीक सामने ये कैमरा लगा दिया गया है। ये देखिए ये कैमरा यहाँ पर लगाया गया है, इसका विजन ठीक पिंजरे की तरफ है ताकि अगर पैंथर की एंट्री होती है तो उसे यहाँ से कैप्चर कर सके। सामने अगर यहाँ से पैंथर गुजरता है, इसमें सामने एक बकरा भी रखा गया है, और अगर पैंथर इसमें गुजर के अंदर पहुँचता है तो आप ये देखिएगा ये जो पिंजरा है इसमें ये सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही वो अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के ठीक बाद
वो सामने वाला पोर्शन दब जाएगा और ये सट से नीचे हो जाएगा और उसके बाद वो अंदर कैद हो जाएगा। आप देखेंगे बकरा भी जाली लगा करके अंदर बांधा गया है ताकि उसकी खुशबू से या उसकी आवाज को सुन करके पैंथर इसके अंदर घुसे और घुसने के बाद उसको कैद किया जा सके। फिलहाल पूरा ये जो जगह है वो जनशून्य हो गई है, इंतजार है सभी को ताकि वो डर वो दहशत खत्म हो सके। तेंदुए का ये जो आतंक है वो उदयपुर के गोंगोंदा कस्बे में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहां के लोग इसकी वजह से खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। हमारे सहयोगी भंवर की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये आदमखोर जो पैंथर है वो घूम रहा है, जंगल जंगल घूम रहा है, उसके पग मार्क मिल रहे हैं, पिंजरे लगा दिए गए हैं, नो कैमरे लगा दिए गए हैं, चार पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन गांव में दहशत है। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां एक साथ संयुक्त रूप से गांव नहीं मिलेगा, आपको एक घर कहीं 500 मीटर दूरी पे, एक घर 1 किलोमीटर दूर ऐसे मिलेगा, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है। और आप देख सकते हैं मैं एक घर में मौजूद हूं जहां घटना स्थल से थोड़ी दूरी एक घर है। ये घर जो है वहां के जो लोग यहां पर रहते हैं उन्हें काफी डर है, दहशत है और डरते हैं इस बात से कि पैंथर का मूवमेंट यहाँ आसपास है, ऐसे में बच्चों को कैसे बचाएं, बड़ी दिक्कत होती है। किस तरीके का डर है, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पैंथर घूम रहा है, पैंथर घूम रहा है जो डर है, बाहर नहीं निकल पाते और छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते तो बाहर कैसे निकलेंगे, हम डर से मतलब बेहोश हो गए, बाहर निकलेंगे तो हमको खा जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो आप मतलब कम्प्लेन क्या है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल है और क्या कर सकते हैं। जिस बच्ची को भी शिकार बनाया था वो घर कितनी दूर है यहाँ से, वो यहाँ से मतलब 500 किलो आधा किलोमीटर दूर, नहीं इतना भी नहीं है, थोड़ा सा ही है। अच्छा, और मतलब रात को आता ही है, मतलब पता नहीं है कब आएगा कैसे आएगा, हम तो खेत में भी जाते। वन विभाग की टीम जो है वो यहाँ पे पिंजरे वगैरह लगा दी है, कुछ राहत मिल रही है उससे? अभी कुछ नहीं मिला है, मिला तो कुछ भी नहीं है, पर आ रहे जा रहे देख रहे हैं, पर मिला कुछ भी नहीं है अभी तक। डर है अभी, हम डर से मतलब भयभीत हो रहे हैं। तो रात में तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा आपको? रात में जीना मुश्किल है, रात में पूरी रात भी मतलब नींद नहीं निकाल पाते। हाँ, बच्चों को, बच्चे तो अभी मतलब अंदर सोते हैं तो उनको भी डर रहता है कि खा जाएगा हमको। एक घर कहीं 500 मीटर दूरी पे, एक घर 1 किलोमीटर दूर ऐसे मिलेगा, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है। और आप देख सकते हैं मैं एक घर में मौजूद हूँ जहाँ घटना स्थल से थोड़ी दूरी एक घर है। ये घर जो है वहाँ के जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें काफी डर है, दहशत है और डरते हैं इस बात से कि पैंथर का मूवमेंट यहाँ आसपास है, ऐसे में बच्चों को कैसे बचाएं, बड़ी दिक्कत होती है। किस तरीके का डर है, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पैंथर घूम रहा है? पैंथर घूम रहा है जो डर है, बाहर नहीं निकल पाते और छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते तो बाहर कैसे निकलेंगे, हम डर से मतलब बेहोश हो गए, बाहर निकलेंगे तो हमको खा जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो आप मतलब कम्प्लेन क्या है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल है और क्या कर सकते हैं। जिस बच्ची को भी शिकार बनाया था वो घर कितनी दूर है यहाँ से? वो यहाँ से मतलब 500 किलो आधा किलोमीटर दूर, नहीं इतना भी नहीं है, थोड़ा सा ही है। अच्छा, और मतलब रात को आता ही है, मतलब पता नहीं है कब आएगा कैसे आएगा, हम तो खेत में भी जाते। वन विभाग की टीम जो है वो यहाँ पे पिंजरे वगैरह लगा दी है, कुछ राहत मिल रही है उससे? अभी कुछ नहीं मिला है, मिला तो कुछ भी नहीं है, पर आ रहे जा रहे देख रहे हैं, पर मिला कुछ भी नहीं है अभी तक। डर है अभी, हम डर से मतलब भयभीत हो रहे हैं। तो रात में तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा आपको? रात में जीना मुश्किल है, रात में पूरी रात भी मतलब नींद नहीं निकाल पाते। हाँ, और बच्चों को, बच्चे तो अभी मतलब अंदर सोते हैं तो उनको भी डर रहता है कि खा जाएगा हमको। खा